ज्यादा स्पीड में गई। हाँ देख के पता चल रहा है बहुत ज्यादा स्पीड में था। देखो भाई आ गया अपना टॉय ट्रेन। ये है भाई K2। गुड मॉर्निंग, मैं अमित। निकलना था बट भाई नहीं हुआ। सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था इसके वजह से, तो थोड़ा लेट करके निकला है। अभी भी बारिश हो रहा है। सामने वो कारशियांग व्यू पॉइंट है और रोड को जैसा है और नज़ारा भाई आप देख सकते हो। और गाड़ी तो भाई कितना प्यारा लग रहा है। कल मुझे ये टॉप रैक लगाना पड़ा। ये एक्चुअली टॉप रैक है नेक्सा गियर से, तो ये टॉप रैक मुझे लगाना पड़ा। और ये अपना कार्बोनेटो का ट्रेल बैग जो मैंने इंस्टॉल किया है, दो लिया था, क्रैश गार्ड में लगाऊंगा बट क्रैश गार्ड ही टूट गया अभी। हो आपको बताना भूल गया, क्रैश गार्ड निकाल दिया मैंने। और ये देखो इम्पैक्ट हाइपर राइडर क्रैश गार्ड लगाने के बाद, तो अभी स्टॉक है, कुछ दिन के बाद आएगा अच्छा वाला, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो यही है भाई, ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है। अभी रुके मोमो वगैरह खाएंगे, जा रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ। बने रहिएगा ब्लॉग के साथ और अच्छा अच्छा व्यू आ रहा है सामने, वो दिखाएंगे आपको। धीरे धीरे इधर पे ठंडा लग रहा है। और नज़ारा देखो भाई कितना खूबसूरत है। अभी ना माउंटेन में बाइक चला चला के ऐसा आदत हो गया ना, नीचे हाईवे पे बाइक चलाने को मन ही नहीं करता। क्या ऊपर धूल वूल नहीं है, पूरा साफ है, क्लियर है। तो भाई दार्जिलिंग में स्टे होगा अपना। आई थिंक उधर बारिश ज़्यादा हो रहा है तो शायद जा नहीं पाएंगे कहीं पे। दार्जिलिंग ही आपको घुमा के दिखाएंगे। अगर घर आने के टाइम पे फिर लामाहाटा होके आएंगे, थोड़ा सा लामाहाटा का व्यू भी आपको दिख जाएगा। भी है, बरसात भी है, अजब सही वेदर। ये अपना ट्रेन, वाह। दार्जिलिंग ट्रेन, हाँ देख के पता चल रहा है बहुत ज्यादा स्पीड में था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया भाई। थोड़ा साइड दीजिए ना, हम लोग निकल जाते हैं। हेलो भैया जी, खतरनाक हो गया। तो भाई ऑलमोस्ट दार्जिलिंग पहुंच ही गए और बस 3-4 किलोमीटर बाकी है, फिर वहां से ढूंढना पड़ेगा अपना होटल कहाँ पे है। यह है अपना घूम स्टेशन, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप चाहिए तो देख सकते हो। ये ब्रेक से क्या क्यों आ रहा है देखो तो अच्छा। और चेन ना पूरा वो हो गया, कचरा हो गया पूरा। और ये है अपना दार्जिलिंग व्यू देखो, उधर से टॉय ट्रेन वगैरह आ रहा होगा, वहाँ से आ रहा है टॉय ट्रेन, घूम के इधर से जाएगा। गाड़ी का चेन वगैरह ना बहुत ज़्यादा आवाज आ रहा है, तो थोड़ा सा साफ कर लिया। इधर पे दुकान दिखा था, सोपन बाइक वर्कशॉप। ये देखो भाई आ गया अपना टॉय ट्रेन। अपना दार्जिलिंग का शान है ये भाई ट्रेन। होटल में जाने के बाद जस्ट फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद 15 मिनट रुका था, उसके बाद अभी निकल गया थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि अपने पास ना टाइम बहुत ज़्यादा कम है,
मतलब टाइम बहुत ही कम है, मतलब कल ही चले जाएंगे, ये टाइम पे तो घर भी पहुंच जाएंगे कल। देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, और वो इधर थोड़ा सा क्लियर हो गया। लम्हाटा की साइड, लम्हाटा की तरफ जा रहे हैं, घूम के आएंगे और शाम को थोड़ा मॉल रोड घूम के घूमेंगे, ऐसा कुछ प्लान है। चलो जाया जाए, जाते इधर। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, इधर आया नहीं पहले कभी। यहाँ से तीस्ता बता रहे 28 किलोमीटर। ये है लम्हाटा, और ये जगह देखो भाई क्या खूबसूरत है। यहाँ पे एक्चुअली लम्हाटा ख़त्म हो जाता है, और ये है अपना पार्क, और नज़ारा कुछ देख सकते हो आप लोग, मतलब एक नंबर। नीचे कुछ शादी वगैरह चल रहा है, इसलिए ये ऐसा लगा कि वहाँ पे ये रेस्टोरेंट एक्चुअली लम्हाटा के एकदम एंड पॉइंट पे है, हाथ के लेफ्ट साइड में आता है एकदम, वो जो बोर्ड है थैंक यू, मतलब यहाँ पे ख़त्म लम्हाटा। अगर आप तीस्ता से आ रहे हो तो उधर से आते वक्त ये पहला रेस्टोरेंट मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग रुके, दवाई पानी बोल के एक जगह है, दवाई पानी मतलब एग्जैक्ट दवाई पानी नहीं है, दवाई पानी यहाँ से 3 किलोमीटर है, जैसे एक छोटा सा एक बैठने का जगह मिला, तो खाना खा के थोड़ा सा बोले थोड़ा सा व्यू का मजा लेते। भगवान ने यहाँ से आज केटू दिखा दिया हम लोगों को, मतलब आज पूरा दिन ना मतलब क्लाउडी था वेदर, देख मतलब दिखने का तो कोई चांसेस ही नहीं था, बट आपको पता चल रहा है यहाँ पे कहाँ पे, मैं जूम करता हूँ अभी आपको दिखेगा, अभी दिख रहा है आप लोगों को, ये है भाई केटू फ्रॉम दवाई पानी, कितना खूबसूरत लग रहा है देखो, अमेजिंग। हम लोग ये व्यू देखने के लिए रुके हुए थे, चलो यहाँ पे रुकते देखते हैं। अच्छा है, पर सडनली क्लाउड के बीच में देख रहा है भाई, ये तो कुछ अलग ही चीज़ है।